ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन केस इफ यू आर हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन हेलो माय नेम इज कल्याणी। सो आज का वीडियो आपको टाइटल देख के तो पता लग ही गया होगा कि क्या है। सो मिंत्रा EORS इज कमिंग सून एंड कर्टन हैज बीन ऑलरेडी रेज। तो सेल स्टार्ट होने से पहले ना सेल प्राइस पे शॉपिंग कर लो। सो या आई हैव गॉट सो मेनी समर टी शर्ट फ्रॉम मिंत्रा और सभी ना लाइक कॉलेज के लिए अप्रोप्रिएट है और बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला भी, जितनी ज़्यादा गर्मी है ना। सो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल्सो मेरा जो बैकग्राउंड ना थोड़ा चेंज है, तो आई एम सो सॉरी अगर थोड़ा लाइट्स वाइट्स में थोड़ा दिक्कत आ जाए ना, क्योंकि तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सो आई हैव टू मैनेज दिस स्पेस। बाय द वे दिस इज माई सिस्टर रूम और यहाँ पर लाइट बहुत कम आती है। सो मैं तब से बहुत ज़्यादा ऐसे एडजस्ट करने पे लगी हूँ कि कहाँ पे लाइट सही आ जाए, बट स्टिल इतना ही लाइट आ पाया। सो प्लीज मैनेज कर लेना। सो यस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग आई एम स्टार्टिंग विद द लाइक टी शर्ट। बेबी टीवी है बट उतना ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है। सो या फर्स्ट इज दिस वेरी क्यूट, बहुत ही कलरफुल मैंने लिया है। इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ फ्रॉम द मैक्स ब्रांड और मैक्स है ना, मैंने बहुत सारा कुछ ऐसे ऑफलाइन शॉपिंग किया करती थी पहले। सो यार कपड़ा इज़ रियली ग्रेट, लाइक सी तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है समर सीजन के लिए और स्ट्रेची भी काफ़ी है। गॉट दिस इन साइज मीडियम और ऐसा भी नहीं है कि ना ये क्रॉप आता है, मुझे बहुत सही से फिटिंग आ जाता है। जैसे कि मैं और भी ब्रांड से लेती हूँ ना, लाइक रोडस्टर एंड रोडस्टर कुक एंड कीच वगैरह से मेरे पास बहुत सारा ऐसे बेबी टी है। मैंने आपको हॉल वीडियो में भी दिखाया होगा। सो उसका जो कपड़ा है वो भी कॉटन है बट दिस वन इज लाइक स्ट्रेची काइंड ऑफ। सो या दिस इज वेरी वेरी कम्फर्टेबल। इसको बेझिझक आप ऐसे ना कॉलेज के टाइम पे पहन के जा सकते हो या फिर ऐसे कैजुअल आउटफिट में, ज़्यादा आपको इसे ना ड्रेसअप होने का मन नहीं है। जस्ट वेयर दिस एंड वेयर एनी बेसिक जींस एंड यूर गुड टू गो। सो दैट्स वाई आई हैव बीन लाइक गेटिंग दिस टी शर्ट, क्योंकि बहुत ही सही रहता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और मैंने तो बहुत ही बारी ऐसे किसी भी, मुझे ज़्यादा है ना सोचने का मन नहीं होता ना कि आज कौन सा आउटफिट पहनूँ, तो जस्ट कोई सा भी ऐसे बेबी टी निकाल लो एंड बेसिक जींस डाल लो, बहुत ही सही लग जाता है। और समर सीजन में ना बहुत कलरफुल क्लोज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें बस हेयर लिखा हुआ है, नहीं या लिखा हुआ है या। सो या एज यू कैन सी दिस इज नॉट दैट क्रॉप और लव द पिंक डिटेल, लाइक बेबी पिंक कलर का है यहाँ पे स्लीव पे। सो वेरी वेरी क्यूट, पीछे पूरा प्लेन है। सो इसी में एक और मैंने लिया है विच इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड मैक्स। सो मैक्स से ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने मैक्स से शॉपिंग किया है कि नहीं कभी, क्योंकि मैं तो बहुत किया करती थी पहले। और सेम साइज वाइज है, इसमें लिखा हुआ है ना द फंकी क्लब। दिस इज ऑल्सो इन साइज मीडियम और इसका भी कपड़ा बहुत सही है, तो गर्मियों के लिए तो इसको बेझिझक, नेक्स्ट समर सीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और इसमें भी ये क्यूट सा ऑरेंज पेस्टल ऑरेंज कलर का है ना टी शर्ट बना हुआ है। ये ना थोड़ा ऐसा फैंटा टाइप का जो कलर है ना, ऐसा ही होता है ना, वैसा ही याद दिला रहा है। सो काफ़ी फंकी एंड क्यूट से सारे टी शर्ट्स हैं। सो यस थर्ड इज अगेन टी शर्ट और बहुत ज़्यादा कलरफुल मैंने लिया, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी। सो दिस इज इन येलो कलर और पेस्टल येलो कलर, इसमें लिखा हुआ है कीप इट वाइल्ड और ब्राउन है। सो ये ना साइज इसमें भी मैंने मीडियम लिया, दिस इज कुक एंड कीच। और इसका जो थोड़ा मटेरियल है ना, और इस वाले का जो मैक्स वाले का मटेरियल है थोड़ा डिफरेंट है, बट बोथ इज कम्फर्टेबल। लाइक ये थोड़ा स्ट्रेची काइंड ऑफ जो होता है ना वो है, और ये देखो ऐसा है। सो आई होप आपको पता चल सके। तो ऐसे बेबी टी पे ना आप ऐसे बेसिक जींस के अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट काइंड ऑफ जो जींस होता है या बॉटम्स होता है वो भी डाल सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ट्राई करती हूँ कि कुछ भी ऐसे थोड़ा अलग सा बॉटम्स डाल करके और बस सिंपल सा टी शर्ट पहन लो, तो ज़्यादा ऐसे लाइक ड्रेस्ड अप भी नहीं लगता है और थोड़ा बैलेंस रहता है कि ऊपर थोड़ा बेसिक है, नीचे थोड़ा ऐसे स्टेटमेंट बॉटम्स है, तो अच्छा लगेगा। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो एनी वेज दिस इज द नेक्स्ट वन एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कुक एंड की। साइज मीडियम ही लिया है, बहुत अच्छे से परफेक्टली फिट आ गया है सब कुछ। सो यस नेक्स्ट तो बहुत ही बेसिक सा मैंने लिया है और इसका जो प्राइस है ना 182 समथिंग में मिला था। और ऑल्सो द मटेरियल इज गुड, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर। और इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ है बैक यार्ड कैंपिंग रोस्टर कैंपिंग, और ये ना क्रॉप भी नहीं आता है, तो वेरी वेरी नाइस फॉर कॉलेज लाइक
और नॉट ओनली कॉलेज, मैं कॉलेज इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि वहाँ पे होता ना कि आप डेली डेली समझ में नहीं आता कि आप क्या 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 ही आउटफिट रेडी करो। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ना कि बस कोई सा भी ऐसे सिंपल सा टी शर्ट हो और जीन्स डाल दूँ, थोड़ा अच्छा भी लगे और थोड़ा कम्फी भी हो। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ना कि कॉलेज के लिए बेस्ट है। सो इसमें ज़्यादा ऐसे पेट पेट भी नहीं दिखेगा और मॉडेस्ट भी काफ़ी, और अगर आप चाहते हो ऐसे लो वेस्ट पे पहनना तो वो भी पहन सकते हो। सो काफ़ी अच्छा है, सारे क्रॉप ऐसे अच्छे लेंथ के हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं है कोई सा भी। सो यस, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो भी रोडस्टर से ही है। तो बेबी टी अगर आपको देखना है तो आप रोडस्टर ब्रांड तो ज़रूर से ज़रूर सर्च करना। और नेक्स्ट मुझे मिला है ये, और ये ना थोड़ा सा हल्का पिंक कलर जो होता है ना, पिंक का शेड वही है। यस, इसमें लिखा हुआ बूजी, ओके बूजी दैट्स हाउ वी रोल, इसमें ये लिखा हुआ है। और इसके नीचे ना मैंने इसे ब्लैक स्टेटमेंट काइंड ऑफ, जो मैं अभी बता रही थी कि स्टेटमेंट टाइप का कुछ पहन लो तो अच्छा लगता है ऐसे नॉर्मल से टी शर्ट के साथ, तो मैंने वैसे ही ब्लैक थोड़ा पैंट पहना हुआ था जिसमें हल्का सा ये वाला डिटेलिंग है, सी ये वाला। सो या आप इस टाइप से स्टाइल कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस भी नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा बैलेंस, कीप इट बैलेंस। यस दैट्स इट, और मटेरियल तो सबका कॉटन ही है और कंफर्टेबल तो है ही, तो उसमें बोलने की जरूरत है ही नहीं। इसमें मैंने साइज लार्ज लिया है तो मुझे ऐसे आई थिंक मीडियम साइज अवेलेबल नहीं होगा या फिर कुछ तो होगा, वैसे मीडियम भी इसमें आ जाता है और मुझे ये साइज भी अच्छे से ही फिट आया है, एज यू कैन सी इन द राउंड पार्ट, तो सही है काफ़ी। और ये साइज बस लार्ज में है, मुझे ऐसे टी शर्ट में मीडियम लार्ज दोनों ही साइज, मतलब दोनों ही फिटिंग सही लगता है, तो मैं ऐसे मीडियम नहीं रहता तो लार्ज ले लेती हूँ। ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मीडियम ही लो क्योंकि मीडियम साइज मेरे को बेस्ट फिट आता है। तो अगर आप मेरे साइज के हो ना तो मैं अपना जो साइज है ना रेफरेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट मैंने ओवर साइज टी शर्ट लिया है, वो है ये, और काफी सुंदर सा लगा मुझे इस पे, कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा जींस डाल लो स्कर्ट डाल लो बहुत ही सही लगेगा। और इसमें कुछ नहीं है, बस ये प्रिंट बना हुआ है, और इसका जो है ना ये स्लीव बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज है। आई गॉट दिस इन साइज मीडियम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज आया है, तो अगर आपको इतना ज़्यादा ओवर साइज नहीं चाहिए तो आप स्मॉल साइज में ले सकते हो। मेरा बाल सही नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी ओवर साइज है तो आपको इसे लार्ज साइज लेने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो मतलब ब्रांड्स तो ऑब्वियसली ओवर साइज टी शर्ट बनाने लग गए हैं, और इसका स्लीव कुछ इस टाइप से है, लाइक डायरेक्ट है, डायरेक्ट शोल्डर पे ऐसे नहीं होता वो गिरा हुआ वैसा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर नॉर्मल टी शर्ट में यहाँ पे सिलाई होता है तो इसमें नहीं है, लाइक ड्रॉप डाउन शोल्डर पता नहीं क्या है बोलते हैं, तो इस टाइप का स्लीव है इसका। तो ये सारे ही ना सारे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो बेझिझक तो कोई सा भी ले ही सकते हो। इसके बाद मैंने एक और ओवर साइज टी शर्ट लिया है विच इज इन दिस रेड कलर ऑल्सो फ्रॉम, नहीं दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डिलिंगर, डिलिंगर में भी बहुत अच्छे अच्छे सारे कलेक्शन रहते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और रेड कलर तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैंने इसलिए रेड कलर में लिया है, और ये भी बहुत ज़्यादा पहले से ओवर साइज है, इसमें भी स्मॉल साइज मुझे आराम से आ जाता, दिस इज अ साइज मीडियम। डिलिंगर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट वाले शर्ट मिल जाएंगे आपको, तो आप वो जरूर चेक कर लेना। ओके, और बाकी रेड पे व्हाइट कलर तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे व्हाइट जींस पहन लो या फिर मतलब सारा कुछ अच्छा लगता है रेड कलर, एंड ऑलरेडी ये इन में आ चुका है। और टोक्यो स्टाइल लिखा हुआ है इसमें शिबुया, अच्छा इसमें शिबुया क्रॉसिंग लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सो आई होप कि मैं भी एक दिन जाऊँ वहाँ पे। और पीछे है प्लेन, सो यस दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, यहाँ पे ट्रायल पार्ट में आपको दिख जाएगा। उसके बाद है एक अगेन टी शर्ट विच इज दिस वन, ये भी थोड़ा बेबी टी टाइप का, ये भी बहुत कम प्राइस का था, साइज इसका मीडियम, बहुत ही परफेक्टली फिट आ जाता है, एंड आई लव दिस, मतलब ऐसा पूरा बेसिक बेसिक ही लिया है मैंने। उसका जो प्रिंट है ना, प्रिंट ही किया हुआ है इस पे, तो ये भी सही है, मटेरियल वगैरह सब कुछ सही है, रोडस्टर के सारे जो टी शर्ट के मटेरियल है सही ही आते हैं। सो यस दैट्स हिट, नेक्स्ट इज दिस वन, ओके सो नेक्स्ट इज दिस टी शर्ट, एंड मैं तो ऐसे ले तो हाफ रही थी बट फिर मैं जैसे स्क्रोल कर रही थी ना तो फिर मुझे ये दिख गया और मुझे अच्छा लगा, तो वैसे आजकल वो नहीं चल रफ फिटेड ऐसे फुल स्लीव टॉप एंड फिर बैगी जींस डाल लो, इसीलिए मुझे ये वाला अच्छा लग गया तो मैंने ऑर्डर कर लिया। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मैक्स, और इसका जो मटेरियल है ना वो रिब्ड काइंड ऑफ है, सो सी इस टाइप का कुछ मटेरियल है इसका,
और इसका भी फिटिंग वगैरह ना काफ़ी अच्छा आया है। इसमें लिखा हुआ है ब्रुकलिन अनस्टॉपेबल मी, फिर नीचे ब्रुकलिन लिखा हुआ है। एंड ये भी क्रॉप नहीं है, और ऐसे आजकल ऐसा ही स्टाइल चल रहा है कि क्रॉप नहीं रहेगा ऐसे फिटेड वेस्ट के पास, और फिर नॉर्मल बैगी जींस, तो काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पे लिखा बैक टू स्कूल 1990, तो ये भी एक यहाँ पे पॉइंट है। और पीछे है प्लेन। यस, दैट्स इट फॉर दिस टी शर्ट। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस टी शर्ट विच इज़ फ्रॉम लुलू एंड स्काई। जनरली लुलू एंड स्काई ना बहुत ऐसे टाइम लगाते हैं प्रोडक्ट डिलीवर करने में, बट इस टी शर्ट पे ना फास्ट डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल था, एंड द मटेरियल इज सो लाइक सॉफ्ट और क्वालिटी इज सो नाइस। वो जो स्ट्रेची रबर टाइप का मटेरियल होता है ना, वही है इस टॉप का। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस पोलो टी शर्ट। सो एक्चुअली ना मैंने ये टी शर्ट बहुत पहले भी देखा था स्क्रोल करते करते, बट फिर ना मैं शो देख रही हूँ लाइक के ड्रामा विच इज़ लवली रनर, तो उसमें मुझे ना एक लुक रिक्रिएट करना था, एंड शी इज़ वेयरिंग समथिंग लाइक दिस पोलो टी शर्ट, सो मुझे उसके लिए परफेक्ट लगा। और ऑल्सो द प्राइस इज़ सो अफोर्डेबल, और ये कलर भी इतना प्यारा एंड क्यूट सा है, समर सीजन के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा ये, एंड कॉलेज के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसके बाद ना एक लौता, मतलब मेरा ऐसे मन नहीं था लेने का, बट फिर मैं स्क्रॉल करी थी अगेन, तो मुझे ना ये वाला टॉप मिल गया बहुत ही कम प्राइस में। बहुत ज़्यादा समरी वाइब दे रहा है ये, आई एम सो सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा समरी वाइब दे रहा है। बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका, आप इसको आराम से कोई भी बीच वेकेशन या फिर ऐसे भी नॉर्मल पहन सकते हो। और इसका स्लीव इतना प्यारा है ना, एक्सी बहुत ही प्यारा स्लीव है इसका, और पहनने में भी बहुत अच्छा लगा। आई गॉट दिस इन साइज मीडियम, तो फिटिंग विटिंग तो सही ही आया मुझे। और पीछे ना मेन बात है ना, पीछे ये रूच सॉरी स्मोक डिटेलिंग दिया हुआ, जिसकी वजह से मुझे फिटिंग आ गई, वरना मुझे लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिर अगर ये पीछे नहीं दिया हुआ था तो शायद मुझे नहीं आता। तो ये क्रॉप है बस, और ऐसे ही मुझे पसंद आ गया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ गया कि ये समर टॉप्स। बाकी से मैंने टी शर्ट दिखाया, एंड दिस इज वेरी वेरी क्यूट है ना, कलर इतना प्यारा है, और यहाँ पे इलास्टिक भी दिया हुआ, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ आप स्कर्ट डाल सकते हो, और पैंट वगैरह भी ऐसे वाइट पैंट फॉर्मल पैंट उस पर भी बहुत सही लगेगा, तो सारी चीज़ के लिए बहुत सही है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको सारा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। और मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल इज कमिंग सून, सो सेल से पहले ना सेल प्राइस में जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो, और सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट करना मत भूलना, और मैं सारा साइज भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो डोंट वरी। सो यस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।